वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले अनाउंस किया था कि आज हम बात करने वाले हैं आंखों के हवाले से। बेसिकली हम आई इंजरी जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसमें जो भी ट्रॉमा जो भी इसकी सिचुएशन है उसको हम प्रॉपरली आज डिस्कस करेंगे, और उसके लिए हम डाइट को भी साथ में लेकर चलेंगे। उसके लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद होंगी नाजिया जवाद, और उसके अलावा डॉक्टर हुसैन अहमद खाकान होंगे जो गाइस स्पेशलिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तुम आई इंजरी की जानिब आते हैं। आई इंजरी बेसिकली है क्या? आई इंजरी मीन इंजरी एक मीन इंग्लिश का वर्ड है, तो आंखों में लगने वाली चोट, आंखों को लगने वाली चोट है। आंखों की चोट की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, और उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एज वाइज, मीन बच्चों में लगने वाली और बड़ी उम्र के लोगों में आंख की चोट लगने की। अब इसका जानना एक आम शहरी के लिए क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि आंख की चोट की इम्पॉर्टेंस इसलिए कि अगर आंख पे चोट लगती है तो ये आंख को इतना शदीद नुकसान पहुंचा सकती है कि आंख की बिनाई हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और ख़ासकर बच्चों में लगने वाली आंख की चोट के जो नुकसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसमें मुकम्मल तौर पर बिनाई ज़ाया होने के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम बिनाई को आँख में लगने वाली चोट को डिफ़ाइन करें कि बच्चों में क्या वजूहत हैं और एडल्ट एज में क्या है, तो सबसे पहले जो बच्चों में हमारे अमूमन एग्जामिनेशन में और हम देखते हैं कि बच्चों में जो चोट लग रही है उसकी वजह रूटीन की घर की चीज़ें हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सीजर्स हैं, कैंची है। जो बच्चा छोटा मीन 5-6 साल की उम्र का या उससे बड़ी उम्र का पकड़ता है और वो गलती से आँख में लगा लेता है, नाइफ है मीन छुरियाँ। इसके अलावा जो आप मीन हैरान होंगे जान के बच्चों में चोट लगने की वजह आपकी लेड पेंसिल है। लेड पेंसिल का ट्रामा मैंने मीन इतना फ्रीक्वेंट है कि आप लोगों की इमेजिनेशन से बाहर है कि आपस में एक दूसरे के लगा देते, अपनी ही लेड पेंसिल का जो निब है वो लग जाती है। पेन की वजह से लग जाती है। जो बच्चों में और वजूहत हैं, घर में डिटर्जेंट्स हैं वो बच्चे अपने ऊपर डाल लेते हैं, मीन जिसमें एसिड्स हैं, अल्कलीज हैं, वो आंखों में जा सकते हैं और परमानेंट बिनाई को कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात पब्लिक को मैसेज देने वाली है वो ये है कि टॉय पिस्टल, टॉय रिवॉल्वर, जो आम खिलौना पिस्तौल पाकिस्तान में अवेलेबल है, उनमें जो पैलेट्स हैं, पैलेट्स मीन जिसे उर्दू में छरे कहते हैं, वो हैं, वो प्लास्टिक के हैं। वो होता प्लास्टिक का है, लेकिन उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो एक बच्चे की अगर आंख में लग जाए या एडल्ट की आंख में भी लग जाए तो उससे परमानेंट आंख के अंदर खून भर सकता है, आंख का पर्दा उखड़ सकता है और बिनाई हमेशा के लिए मुतासर हो सकती है। इसलिए हमारा पब्लिक मैसेज ये है कि आप इस कम अज़ कम इस खिलौना पिस्टल और इससे में इस्तेमाल होने वाले पैलेट्स पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएं, इसकी सेल पर, क्योंकि इसका ट्रामा आँख की इंजरी इतनी ज़्यादा है के इसके नंबर्स काउंट करने में भी मुश्किलात हैं। अच्छा। और इसका जो ट्रामा है उसके बाद बच्चों में रिकवरी बहुत नामुमकिन और मुश्किल है। और आप खुद सोचें कि एक कम उम्र का बच्चा, 5 या 6 साल का बच्चा, जो सिर्फ टॉय पिस्टल से खेलते हुए इस पैलेट की इंजरी का शिकार है, वो पूरी उम्र के लिए अंधा हो जाए या अपनी बिनाई खो दे सिर्फ इस वजह से कि ये एक खिलौना है। तो मेरा ख्याल है इस खिलौने पर हमेशा के लिए पाबंदी लगनी चाहिए, एटलीस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये कुछ वजूहात है जो बच्चों में है। इसके अलावा मीन कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट मीन कोई भी ऐसी शार्प चीज, मीन जिसमें आपके क्लिप्स हैं, होल्डर्स हैं, और कोई भी किचन की कोई ऐसी चीज जो शार्प है वो बच्चों को हाथ में न दें, और बच्चों को अवॉइड करें कि किचन में और बाकी डिटर्जेंट्स और आपके जितनी भी घर में एसिड्स और अल्कलीज वाले सॉल्यूशन है उनसे दूर रहें। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी हम बच्चों की बात करें तो इनकी डाइट पे हम आते हैं। नाजिया, आपकी जानिब आई साइड, चूंकि अब हम छोटे बच्चों की भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा वीक होना शुरू होगी, डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या आप रिकमेंड करेंगे? देखिए अमल, डाइट के बारे में मैं ये कहूँगी कि जैसे डाइट आपको पूरा बॉडी को चाहिए, ऐसी ही आपकी आईज को चाहिए। देयर इज नो स्पेसिफिक पार्ट कि आप आईज को जो है वो अलग से डाइट दें। जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए वही आपकी आईज को चाहिए। अनटिल अनलेस इफ यू डोंट हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है, उस अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो ऑफ कोर्स यू टेक द सप्लीमेंट फ्रॉम द डॉक्टर, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन यू कैन नॉट टेक दैट। अगर आपको वो है, अदरवाइज आपका बैलेंस डाइट इज द की ऑफ योर हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, सो डोंट गो फॉर के ये आंख के लिए है। कुछ लोग कहते हैं डेफिनेटली, कुछ कहते हैं कि मछली खाएं या गाजर का इस्तेमाल करें। मैं उसी साइड पे आ रही हूँ
कि बीटा कैरोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें आपको विटामिन ए बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर आप इसको समराइज करें तो ये सब चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, जो वाइल्ड सामन है उसमें ये है कि इट इज़ वेरी गुड फॉर स्मॉल टाइनी ब्लड वेसल्स ऑफ आइज, वो बहुत अच्छी है। अगर आप बच्चों को एक फिले या थोड़ा सा स्ट्रिप जो है वो आप उनको डिनर में या किसी टाइम दे सके, दैट इज़ वेल एंड गुड। इसके अलावा कैरेट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, स्पेशली कीवी, कीवी में तो आप देखेंगे इज़ द साइन ऑफ ऑल्सो लाइक अ आई बॉल, ठीक है। इसके अलावा कैरेट्स बहुत ज़रूरी है। ब्रोकली, ब्रोकली के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, ब्रोकली एक इतनी इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है जो कि हमारे एशियंस में इट इज़ वेरी वेरी रेयर टू यूज़, क्योंकि ब्रोकली एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी में एक ऐसा एंजाइम है जो ब्रोकली के बगैर एक्टिवेट नहीं होता, जो कि हम लोगों को नहीं पता और हम लोग ब्रोकली को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ब्रोकली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्राउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग योक आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत से लोगों को देखा है दे डोंट गो फॉर एग योक, दे ओनली गो फॉर एग वाइट्स, विच इज़ वेरी रॉन्ग। यू नीड टू टेक होल एग। आप उसको अगर दो अंडे भी खा लेते हैं तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह एक चिया सीड्स जो है वो बच्चे तो नहीं मेरा ख्याल इतना खा सकते, बट इफ़ यू गिव देम एज अ कस्टर्ड शेप इन द योगर्ट, तो चिया सीड जो है वो ब्लू बेरी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। चिया सीड्स जो है वो ओमेगा 3 से ज़्यादा, फिश से ज़्यादा उनमें ओमेगा 3 है। चिया सीड जो है उनमें एक कप ग्लास मिल्क जो है उससे ज़्यादा कैल्शियम है। अच्छा। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मॉडरेशन में लेनी है। इफ़ यू गो फॉर मॉडरेशन यू नो नीड टू डू समथिंग एल्स। एंड सेकेंडली जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि वो केयरलेसली बच्चों को क्रेयॉन्स पकड़ा देते हैं, बच्चों को लिड पेंसिल पकड़ा देते हैं, स्पेशली टूथब्रश पकड़ा देते हैं, टीथर्स पकड़ा देते हैं। आई सॉ दीज थिंग्स विद माई आईज कि हाँ उनसे इतनी ज़बरदस्त इंजरीज होती हैं कि इट इज़ नॉट रिवर्सेबल। और वो कहते हैं ना कि लम्हों की गलती जो है वो सदियों की सजा बन जाती है, तो वी शुड अवॉइड दीज थिंग्स। ठीक हो गया, ठीक। डॉक्टर साहब अभी आई इंजरी को हम डिस्कस करते हैं, नॉर्मली बच्चों की जो आंखों का मामला होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, आई साइड वीक भी हो और उसके ऊपर ये इंजरी भी खुदा ना खास्ता हो जाए तो डबल इम्पैक्ट होंगे। अच्छा, उसमें आई साइड वीक होने की मुख्तलिफ वजूहात हैं, ठीक है। जो बात लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि आई साइट वीक होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन आई साइट बच्चों में वीक होना, उसकी करेक्शन होना, उसकी एनक लगना सबसे इम्पोर्टेंट है। जो अहमियत की चीज़ है वो ये है कि जब बच्चे की बेनाई कम हो, सबसे अहम चीज़ ये है कि बच्चे को जल्द अज जल्द माहिर मराज़ चश्म के पास लेके जाएं, और बच्चे को जो भी वो चश्मा एडवाइज़ करे, जो भी चश्मा लगाए वो चश्मा लगाएं, और हर 6 महीने बाद उस चश्मे का नंबर दोबारा आई स्पेशलिस्ट से चेक करवाएं और किसी से नहीं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसके बारे में ये है कि जो बाहर आप स्कूल्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे रेगुलर टीचर्स वहाँ पे चेकअप्स होते हैं एंड दे सेंड द लेटर के उसमें बच्चों को पता चल जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड वे जो पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उसमें मैं सेकेंड करूँगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में या स्टेट्स में जब भी बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है तो ही नीड्स ए कंप्लीट मेडिकल फिटनेस, जिसमें आई की बिनाई का भी चेकअप होता है। हमारी काफ़ी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम पाकिस्तान में हो सके, एटलीस्ट पंजाब में, कि जब स्कूल में बच्चों का एडमिशन हो तो उन बच्चों की बिनाई ज़रूर चेक हो। होता यह है कि बच्चा स्कूल में एडमिट हो गया, वो क्लास में जा रहा है, वो फर्स्ट क्लास में भी उसकी बिनाई कम है, सेकेंड में भी, लकीली एक दिन थर्ड या फोर्थ क्लास में पता चलता है कि टीचर कहती है कि इसकी बिनाई कम है क्योंकि ये पीछे से बोर्ड नहीं देख पा रहा, तो उस दिन पता चलता है। और ये बिल्कुल बच्चे की आंख की बिनाई को बचाने का बड़ी देर हो चुकी होती है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चे को अगर बिनाई कम है तो बच्चे को चश्मा लगाएं। चश्मा लगाने की 2 वजूहात हैं। एक वजह यह है कि बच्चे को नज़र ठीक आएगा, वो अपनी रूटीन की डेली एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेगा, और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब चश्मा लगा दिया तो बच्चों में बिनाई बनने का जो अमल है वो जारी रहेगा। ये चीज़ मैं पब्लिक को एक बड़ी क्लियरली मैसेज देना चाहता हूँ कि बिनाई बनने का जो अमल है बच्चों में वो पैदाइश से लेकर 13 से 15 साल की उम्र तक है। अगर इस दौरान में बच्चे की बिनाई ठीक है या वो बिल्कुल ठीक दे रहा है तो बिनाई बनने का अमल ठीक है। अगर उसकी बिनाई कम है
اور اس کو چشمہ نہیں لگا ہوا تو بینائی بننے کا عمل رک جائے گا, جو ایون آپ 15 ایئرس کے بعد اگر چاہیں گے بھی کہ وہ بینائی واپس آ جائے تو وہ بینائی نہیں آئے گی, جس کو ہم میڈیکل لینگویج میں ایمبلائیوپیا کہتے ہیں. تو وہ بہت سارے بچے پھر ایمبلائیوپیا کا شکار ہو جاتے ہیں. آنکھ صحت مند ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, صرف پیرنٹس کی یا کسی اور کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس بچے کی بینائی کم ہونے کے باوجود اس کو وقت پہ چشمہ نہیں لگا. اگر چشمہ لگا ہے تو وہ روٹین میں اس کا جو نمبر چینج ہوتا گیا ہے وہ تبدیل نہیں کیا گیا, اور وہ بچہ پرماننٹ بینائی کے ضائع ہونے کا شکار ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے اس کنڈیشن کا ایگزیکٹلی نام تو نہیں پتا, لیکن ایک کنڈیشن ایسی بھی ہے کہ بچے کی ایک آئی کام نہیں کر رہی اور وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہا, اور کافی عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس کو ڈائیگنوز نہیں ہوا. ان فیکٹ جب اس نے آئی سائٹ چیک کروانے گئے تو پتہ لگا کہ جی یہ یہی تو ایشو ہے جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ بچوں کی بینائی کم ہوتی ہے, بچہ خود نہیں بتا سکتا کسی کو, ٹھیک ہے, اس کو آپ کے ٹیچرز نے یا پیرنٹس نے کرنا ہے. یا دوسرا یہ کہ بچے کی جب پیدائش کے بعد سکریننگ ہو اور بچوں کو ایڈمیشن کے وقت سکریننگ اور پتہ چلے بینائی ٹھیک ہے. اب بچہ کیونکہ انسان دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے نا, بڑا آدمی بھی, ایون آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں, بڑے لوگ بھی, عمر کے ایڈلٹس بھی جو ہیں, ان کو بھی اگر ایک آنکھ میں کسی بیماری کی وجہ سے بینائی چلا جائے تو انہیں بھی کافی دن, کافی ماہ پتہ نہیں چلتا, انٹل انلیس وہ لکیلی ایک دن اپنی اگر لیفٹ آئی میں بینائی کام ہے تو رائٹ آئی کلوز کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لیفٹ آئی سے نظر ہی نہیں آ رہا. اور بچوں میں اس انسیڈنس کی فریکوینسی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جس آنکھ میں بینائی کام ہے بچہ اس سے دیکھ نہیں رہا, دوسری آنکھ جس میں بینائی بہتر ہے اس سے دیکھ رہا ہے, اور جس میں بینائی کم ہے اس میں اینک بھی نہیں لگی ہوئی, وہ آنکھ بینائی بننے کا عمل بھی رک گیا, اور اس کو ہم لیزی آئی کہیں گے, اور وہ آنکھ وقت کے ساتھ ٹیڑھی ہو جائے گی, یا اندر کی طرف ٹیڑھی ہوگی یا باہر کی طرف ٹیڑھی ہو جائے گی. وہ ٹیڑھی کیوں ہو جاتی ہے آنکھ, جسے ہم بھینگا پن بچوں میں کہتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں کہ جی یہ غذا کی کمی کی وجہ سے ہے, دیر کڈ بی اے ویری مائنر انسیڈنس کے ایسا ہو سکتا ہے, لیکن موسٹ زیادہ تر اس کی وجہ آنکھ میں اینک کا نمبر ہونا اور اس کے چشمہ نہ لگنا, ٹھیک ہے. وہ چشمہ لگتا ہے وہ آنکھ دیکھنا شروع ہو جاتی ہے, جب چیز آنکھ دیکھتی ہے تو وہ آنکھ سیدھی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ سیدھی ہو جاتی ہے. ایک دوسری بات میں کلیئر کروں پبلک کو, میں میسج یہ ہے کہ اگر آپ بچوں میں یہ دیکھیں کہ بچے آپ کے ٹی وی یا گیمز کے لیے ٹی وی کے پاس بیٹھ کے کھیل رہے ہیں, تو پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بچہ ٹی وی کے پاس بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہے اس لیے اس کی بینائی ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج چیک کی ہے تو کم ہو گئی ہے, نہیں یہ اس لیے نہیں ہوئی کم کہ وہ ٹی وی کے پاس بیٹھ کے دیکھتا, وہ اس لیے کہ اس بیچارے کو دور سے نظر نہیں آتا, وہ دور سے نظر نہیں آتا اس لیے وہ ٹی وی کے پاس بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے, اور آپ کے پاس کبھی ٹائم نہیں ہوا کہ آپ اس چیز کو نوٹس کر سکو کہ یہ پاس بیٹھ کے کیوں ٹی وی دیکھتا ہے. ٹائم بھی تو تھوڑا لمیٹڈ ہونا چاہیے نا, کیونکہ ٹو مچ گیجٹس اینڈ سیکنڈلی دی ایکسرسائزز آف دی آئیز دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اوبویسلی یہ جتنے مین آپ کے نیئر ویژن کے لیے گیجٹس ہیں جس میں ٹیبلٹس ہیں موبائلز ہیں, ان کی اوبویسلی اسکرین ہیٹ ہے جو آپ کی آنکھوں کو ڈرائینس دے سکتی ہے, باقی ان میں سے نکلنے والی مضر شعائیں یا وہ ہیں وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہیں. مین اس ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, یو کین ناٹ یوز دیز گیجٹس جسٹ فار لیئر اور پلیئر, دیز آر necessities, these are not luxuries. If there is necessity, then you can use, obviously. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے بچوں کی بات کی, تھوڑی بڑوں کی انجری کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جو مین بچوں کا ہم نے انسیڈنس بتایا کہ کافی زیادہ, بڑوں میں بھی بہت زیادہ. اب بڑوں کو ہمیں اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس کس فیلڈ میں ہے. اگر ہم اس میں لیں فارمرز, کسانوں میں لیں, پھر آپ کے مکینیکل ورکرز میں لیں, پھر آپ کے وہ جو لیبر کلاس ہے, اگر ہم مکینیکل ورکرز میں آئیں تو پاکستان میں مکینیکل ورکرز میں کون سے ہیں, آپ کی روٹین لائف میں آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ ویلڈنگ پلانٹ لگا ہوا اور ویلڈر از ڈوئنگ دا ویلڈنگ اینڈ ہی ڈزنٹ ہیو اینی پروٹیکٹیو گلاسز, ٹھیک ہے, کوئی سیفٹی گوگلز اس بندے کی آنکھ پہ نہیں ہے. اور بلیو می, آپ اگر سروے کریں صرف لاہور میں, آئی کی ایمرجنسی میں ڈیلی 15-20 پیشنٹ اس طرح کے آتے ہیں جن کو گرائنڈنگ کرتے ہوئے باریک سا گرائنڈر کا جو پیس ہے وہ آنکھ کے اوپر لگتا ہے, وہ آنکھ کے باہر والے حصے کو نقصان پہنچاتا ہے ابھی, اور آنکھ کے اندر والے حصے میں جا سکتا ہے, ایون ریٹینا کو ڈیمیج کرتا ہے, آنکھ میں خون بھر جاتا ہے اور پرماننٹ بینائی کے کم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے. ایک یہ گرائنڈنگ کے وقت کرتے ہوئے کسی بھی میٹل پیس کو آپ کے سیفٹی گوگلز ہونے چاہیے, دوسرا ویلڈنگ کرتے ہوئے, تیسرا آپ جب بھی کوئی مکینیکل کام کریں, ہیمر چسل مین آپ ہتھوڑے کے ساتھ کوئی بھی میٹل کی چیز ٹھوک رہے ہیں تو کسی بھی چیز کا میٹل کا پیس ٹوٹ کے آپ کی آنکھ میں جا سکتا ہے,
तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से, जो भी ग्राइंडिंग में, वेल्डिंग में लेबर वर्क, जो मेटल के पीस के साथ काम कर रहे हैं, तो वो अपने सेफ्टी गॉगल्स इस्तेमाल करें। सेफ्टी गॉगल्स डजंट कॉस्ट मच, इनकी कोई ज्यादा कीमत नहीं है, लेकिन जो सेफ्टी गॉगल्स के पहनने से आपकी बिनाई पूरी उम्र के लिए बचेगी, आपको उसका अंदाजा नहीं है। ये कितनी इंपॉर्टेंट, 100-200 रुपए के गॉगल्स जो है वो आपकी आंख, और मेरी बात ये जहन में रखें कि आंख की बिनाई अगर एक दफा चलेगी, इसको कोई दुनिया का सबसे बड़ा से बड़ा भी आई सर्जन वापस नहीं ला सकता, जो ट्रामे की वजह से जाया होगा। ठीक हो गया, ठीक। तो बी केयरफुल। सो दूसरी बात, अगर हम आ जाएं फार्मर्स की तरफ, फार्मर्स में होता क्या है कि उसमें आपका जो वेजिटेबल ट्रामा है, जिसे हम वेजिटेबल ट्रामा कहते हैं, मीन जो दरख्त की छाल से, छड़ियों से, पौधों से हो सकता है, वो बड़ा खतरनाक है। उससे बेसिकली जो इन्फेक्शन आंख में होती है वो फंगल इन्फेक्शन होती है। फंगल इन्फेक्शन मीन फफूंदी, और आपको सबको इलम है कि फफूंदी अगर किसी जिस्म के हिस्से में लग जाए तो वो जाती नहीं है, तो वो भी आंख के जाया होने का बहुत बड़ा वजह बनती है। जो तीसरी चीज है, ये पेस्टिसाइड्स और बाकी जो अद्वियात स्प्रे करते हैं, कभी आपने देखा कि पाकिस्तान में फार्मर स्प्रे करते हुए सेफ्टी गॉगल्स इस्तेमाल करें? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, पाकिस्तान में कोई करना ही नहीं चाहता। और आप देखें वो पेस्टिसाइड्स में कितने खतरनाक केमिकल्स हैं, जो अगर आंख में चले जाएं तो आंख का क्या असर कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स के अलावा जो केमिकल इंडस्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन यूजिंग। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये हमने फार्मर्स का किया, अब आगे आ जाए जो केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। केमिकल इंडस्ट्री में जो एसर्स के साथ, अल्कली के साथ, ये पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपकी लिक्विड इंडस्ट्री में कर रहे हैं, इवन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जो जितनी कॉस्मेटिक आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएं, विदाउट सेफ्टी गॉगल्स यू कैन नॉट डील विद एनी केमिकल। हमारा बेचारा पेंट वाला है, वो पेंट कर रहा है, उसको कोई पता नहीं, बेचारे को नहीं पता। डॉक्टर साहब, इसको कंटिन्यू करेंगे, आपकी तरफ आए नाजिया। तो अभी हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें, वो कितनी जरूरी है हमारी डाइट का हिस्सा होना? देखिए, मैं तो ये जानती हूँ कि अगर आपकी प्लेट जितनी कलरफुल है, आपकी बॉडी उतनी ही खूबसूरत है। ठीक है, आपको सैलड और फ्रूट्स जो है वो ज्यादा लेना चाहिए, इंस्टेड ऑफ, हर चीज़ का पोर्शन कंट्रोल है, ठीक है ना। आपको पोर्शन के हिसाब से चलना चाहिए कि आपको कितना कार्ब्स चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं जब डाइट प्लान देती हूँ मैं कार्ब्स बिल्कुल नहीं खाती, आप मुझे ऐसे दे दें, मैं अगर आपका कार्ब्स बंद कर दूँ, मे बी योर बॉडी नीडेड एंड यू फेड इट डाउन। ठीक है, तो कार्ब्स इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद एक लिमिटेड जो है, आप सैलड आप जितना मर्जी खा लीजिए, इट्स नॉट हार्म। ठीक है, इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं वो आप इंस्टेड ऑफ फ्रूट जूसेस, आई एम वेरी अगेंस्ट ऑफ फ्रूट जूसेस, क्योंकि फ्रूट जूसेस में आप जो है फाइबर निकाल रहे हैं, उस चीज़ का सिर्फ शुगर ले रहे हैं, और वो आप एक फ्रूट की जगह चार फ्रूट्स ले रहे हैं, तो आपका एक ग्लास फ्रूट जूस बनता है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब फ्रूट लेते हैं तो यू आर टेकिंग वन होल फ्रूट विद फाइबर विद एवरीथिंग विद ऑल इट्स यू नो, जितना भी उसमें एडवांटेज है, बेनिफिट है, वो आप ले रहे हैं और आप फीलिंग भी फील कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, आपके लिए एग बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्पल, ये कीवीज एंड ऑल फ्रूट्स, ऑल लीफी वेजिटेबल, ब्रोकली, ऑल ग्रीन, ऑरेंज, एनी काइंड ऑफ वेजिटेबल, इट्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी आपकी जिंदगी में चीजें बनाई हैं, तो ऑफ कोर्स उनका कोई ना कोई फायदा है, तो उसको आपको मॉडरेशन में लेना है। और ट्राई टू टेक, अगर आज आप ये चीज ले रहे हैं तो ऑल्टरनेट चीज आप सेकेंड डे लें, फिर आप ले रहे हैं ऑल्टरनेट चीज आप थर्ड डे लें, तो यू नीड टू कवर ऑल दीज एरियाज। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे नाजिया, जब हमने बच्चों की डाइट के हवाले से बात की, हमारा नॉर्मली बच्चों में इतना स्नैक्स, अगर उनको लंच बॉक्स में भी फ्रूट्स दे दें, कोई ऐसी चीज़ दे दें, वो नहीं खाते, वो प्रेफर करते कोई प्रोसेस चीज़ होनी चाहिए, ये कितनी नुकसानदेह होती है? देखें, जो प्रिजर्वेशन होते हैं ये तो आपको पता है, ये सिर्फ नुकसानदेह ही होते हैं। इसका बेस्ट वे ये होता है कि यू कैन मे, आप वेरिएशन करें, आप अपने बच्चों को टेस्ट डेवलप करें, क्योंकि जैसे आप अपनी ट्रेन कर सकते हैं, यू कैन ट्रेन योर टेस्ट बर्ड्स इन 15 to 18 days। ठीक है, आप बच्चों को वेरिएशन के साथ, उनको पैनकेक अगर बना के दे रहे हैं, नो नीड टू पुट दैट मैदा और ऑल दीज थिंग्स, आप ओट्स लें, आप बनाना लें, आप स्ट्रॉबेरी डालें, उसके ऊपर आप स्प्रिंकल करें हनी का, ऑर्गेनिक हनी करें, दैट इज सच अ डिलीशियस। आप अगर मेरे YouTube चैनल पे जाएं तो वहाँ मैं इस तरह की जो है रेसिपीज, जो है हेल्दी रेसिपीज बताती हूँ। इसके अलावा बच्चों को घर में चीज स्टिक्स बना के दीजिए, बच्चों को घर में नगेट्स बना के दीजिए, आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच लें कि हाँ ये चीज मैं अपने बच्चे को एज अ पॉइजन दे रही हूँ, यू विल नेवर गिव। जी जनाब, अब हम आपसे इजाजत लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन कल हमारा बेस्ट ऑफ जरूर चलेगा, और हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज़।